अमूमन ओवैसी इस तरह की टोपी में नजर आते हैं, लेकिन कल से उनका भगवा पगड़ी वाला ये वीडियो जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। कर्नाटक में जेडीएस का प्रचार करने कल बेलगावी पहुंचे ओवैसी ने पूरा भाषण इसी पगड़ी को पहन कर दिया। अब हमने तुम्हारा सामने की तारीफ की तो आप शुरू हो गए बीजेपी से मिले, वहां मोदी बोल रहे क्यों कांग्रेस से मिले। पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी बैठकर तय कर रहे कमरे में बैठकर। ओवैसी के इस भगवा अवतार को लेकर आंध्र के बीजेपी विधायक टी राजा ने फेसबुक पेज पर करारा हमला किया है। यही ओवैसी जो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा बोलने वाला भारत माता की भी जय बोलेगा, और यही ओवैसी के मुख से हम भारत माता की जय भी बुलवाएंगे और जय श्री राम का नारा भी लगवाएंगे। सोशल मीडिया पर भी ओवैसी को लेकर लोग तरह तरह से लिख रहे हैं। गरिमा लिखती है कि एक वक्त था जब नेता उजली टोपी में वोट मांगते थे, अब भगवामय होके मांग रहे हैं। डॉक्टर सुनंदा लिखती हैं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। गीतिका पूछ रही हैं कि इस्लाम खतरे में आया या नहीं, फतवा निकला या नहीं। यानी जिसको भी ओवैसी के इस अवतार पर जो कुछ समझ में आ रहा है वो टिप्पणी करने में लगा है, क्योंकि ये तस्वीर ओवैसी की शख्सियत से बिल्कुल उलट है। आप लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है। ये मोबाइल हम यहाँ पर जमा हुए हैं हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए, और यहाँ पर आपकी मौजूदगी यकीनन परवरदिगार आप तमाम को एक बेहतरीन अजर से नवाजेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जमा होना खुद इस बात का पैगाम देता है उन तमाम बाकी ताकतों को जो इख्तदार के नशे में गुरूर और तकब्बुर में डूबकर ये समझ रहे हैं कि उनकी कामयाबी यकीनी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बहुत पहले दलगाम की सरजमीन पर आना चाहता था, मगर हमेशा यहां पर मुझे कांग्रेस की हुकूमत और यहाँ के टेम्पररी चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया मुझे रोकते रहे। सिद्धारामैया नहीं चाहते थे कि मैं बलगाम की सरजमीन में आऊं, आप तमाम के दरमियान में आकर आपसे मुलाकात करूं, आपके जज्बात का शुक्रिया अदा करूं और मैं अपनी जबान से कुछ हकायक बयान करूं। कई मरतबा यहां पर मंजिल के जिम्मेदारों ने जलसे की इजाजत परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी, मगर हमेशा हुकूमत पुलिस पर दबाव डालकर परमिशन नहीं देती थी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मैं आपके दरमियान में हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पहली मरतबा मैं यहां पर आया हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आखिरी मरतबा नहीं रहेगा, मैं बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा। आपकी मोहब्बत और सलूक मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला यहां पर दोबारा खींच कर लेकर आएगी। मैं कांग्रेस के लोगों को भी बताना चाह रहा हूं कि आप मुझे आने से नहीं रोक सकते, बल्कि आप तैयार हो जाइए कि आपके पास से इख्तदार जाने वाला है। आपने बहुत जुल्म किया, आज कांग्रेस पार्टी पूरे कर्नाटक में उनके प्रेसिडेंट ये कहकर फिरते हैं, कांग्रेस के सदर जनाब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में 15 मिनट बोलने नहीं दिया गया। मैं राहुल गांधी साहब से ये कहना चाहूंगा कि आपकी हुकूमत कर्नाटका में पिछले 3 साल से मुझे परमिशन नहीं दे रही है। मैं जनाब प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे और हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी से दोनों को मैं आप दोनों को चैलेंज कर रहा हूं कि 5 मिनट मेरे से डिबेट कर लो।
क्या हमको जस्टिस किया गया, क्या हमसे इंसाफ किया गया,
मैं पूछना चाहता हूं आपने क्या इंसाफ किया मुझे बताओ। आप लिबर्टी की बात करते क्या मुझे इजारे ख्याल की आजादी है? आप फ्रेटरनिटी की बात करते क्या मुझे भाईचारा रखने की इजाजत है? आप खुद अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और बीजेपी इन तमाम अहम चीजों पर नाकाम साबित हुई। यह कांग्रेस पार्टी जो बात करेगी सेक्युलरिज्म का बाजा बजाती है, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज चला दिए, अरे मेरे भाई मैं दूल्हा जरूर हूं, मुझे मालूम मेरे बगैर तुम्हारी बारात मुकम्मल नहीं होती। तुम कब तक दूल्हे के बारे में बोलोगे? कभी ये तो बताओ कि तुमने क्या किया? कर्नाटका में उत्तर प्रदेश के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टेटस फिगर्स है कि 1000 कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट कर्नाटका में, 9 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, 250 लोग जख्मी हुए। चाहिए सेक्युलरिज्म है? बताओ सीतारामैया, चाहिए सेक्युलरिज्म है आपका? कर्नाटका की जेल में 10,500 करीब अंडर ट्रायल है, उसमें से 5,500 मजलूम तबके के लोग हैं जिसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी। पॉपुलेशन में शेर लोगों का 39% है और जेलों में सिद्धारामैया की जेलों में 53% है। बताओ ये आपका सेक्युलरिज्म है? आप मुझ पर उंगली उठाते मैं वोट काटने आया। अरे भाई आप तो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है आपकी गवर्नमेंट की वजह से। आप तो वोट नहीं बल्कि आप घरों को तबाह कर रहे हैं, आप नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका कोई कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं। आप बताइए कि हर महास पर ये लोग नाकाम साबित हुए, ये बोलते कि मैं मुस्लिम वोट काटने आया हूं। अच्छा बताओ भाई साहब कितने कर्नाटका में मुस्लिम एमएलए जीत के आए? आप तो सेकुलर पार्टी है, आप तो दूध के धुले में, आप सबसे अच्छे और मैं गुनाहगार हूं, आप जो कुछ बोले सच है और मैं जो कुछ बोला झूठ है, तो बताओ फिर रिकॉर्ड क्या है कर्नाटका के संधि में, कितने जीत कर आते हैं? आप वो भी जवाब नहीं दे सकते। अब हमने कुमारस्वामी की तारीफ की तो आप शुरू हो गए बीजेपी से मिले हुए, वहां मोदी बोल रहे कि वो कांग्रेस से मिले हुए। पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी बैठकर तय कर लो, कमरे में बैठकर एयर कंडीशन कमरे में बैठो जिसमें लाइट हो जाए तो लाइट चल जाए। आप बैठ कर डिसाइड कर लो कि कुमारस्वामी को कल क्या बोलेंगे, परसों तुम क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों आजूज माजूज की जोड़ी है। ये जुड़वा भाया है, भटक गए थे किसी लेने में। अब इलेक्शन आया तो कुमारस्वामी ये नरेंद्र मोदी एक दिन कुमारस्वामी को बोलते, दूसरे दिन राहुल गांधी बी टीम बोलते। अरे भाई साहब ए टीम बी टीम कब तक तुम खेलोगे? आज हिंदुस्तान को जरूरत है एक अल्टरनेट पॉलिटिकल वॉइस की। और याद रखो नरेंद्र मोदी को अगर हराना है आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में तो कांग्रेस की बस की बात नहीं, रीजनल पार्टीज का दौर आने वाला है। पूरे रीजनल पार्टीज मिलकर मिस्टर मोदी को दोबारा गुजरात को वापस भेजा देंगे, वहां जाकर आराम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की बस की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की वजह से ही बीजेपी को 280 एमपी सीट आए। अगर इन अच्छे होते तो वो आते नहीं थे, कमजोर थे, इनमें ताकत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है बताइए आप? मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे इल्जाम लगाते कि वोट काटने आए। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, सलमान खुर्शीद साहब मेरे चचा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, ना मेरे खाला है तालू है, ना मेरे ताया है। आपके कैबिनेट के डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से भरे।
अब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप कर्नाटका में बुलाऊं उनको, इलेक्शन कैंपेन में लेकर आऊं उनको, बेलगाम को बुलाऊं उनको, व्हाट्सएप पर उनका भी मैसेज डालो ना कि सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से भरे हैं। अब मैं आप तमाम को दावत फिक्र दे रहा हूं, आप खुद सोचिए, बल्कि मेरी आवाज अल्लाह करे कि कर्नाटका के घर घर तक अल्लाह पहुंचा दे। मैं तो यही काम से कह रहा हूं कि आप सोचो, जब उनका सीनियर लीडर ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से भरे, तो फिर किस बुनियाद पर आप इस हाथ तोड़ देंगे? आप सोचो, कि मैं नहीं कह रहा हूं, इनको खुद लीडर कहे। कांग्रेस पार्टी अपना कर्नाटका के इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती, कल कुमारा स्वामी ने भी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आप सेकुलरिज्म के दुकान चला रहे, नरेंद्र मोदी नेशनलिज्म की दुकान चला रहे, ये दोनों लाला की दुकान चला रहे। इनके पास गए तो उन्होंने लिख के गए थे सेकुलर सर्टिफिकेट, हम गले में डाल के फिरना पूरा कर्नाटका में सेकुलर सेकुलर सेकुलर। मोदी के पास गए तो उन्होंने बोलते मित्रों तुम नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट, मैं नेशनलिज्म के बाजार में जाते ये क्या तुम दोनों दुकान कब तक चलाएंगे, बंद करो दुकान को, अभी तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पब्लिक जानती है सेकुलर कौन है, कम्युनल कौन है। इलेक्शन मैनिफेस्टो की मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुमारा स्वामी ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया कुमारा स्वामी ने अपने जेडीएस इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि मैं टीपू सुल्तान के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा कर्नाटका में। तो कांग्रेस पार्टी का वर्षी जयंती मना लो, अरे जयंती नहीं मनाए तो भी सुबह कयामत तक उस शेर का नाम जिंदा रहेगा। वो शेर जो आज भी सीना तान कर अपनी कब्र में सो रहा है, मगर हमको तालीम की जरूरत है, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे नौजवान ग्रेजुएट बने। कांग्रेस पार्टी बड़ा बाजा बजाती डेवलपमेंट का, आपको मालूम होना चाहिए एक AISHE सर्वे आया, उस सर्वे में बात लिखी गई कि कर्नाटका में पूरे साउथ इंडिया में लोएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ग्रेजुएशन का। ये सिद्धारमैया का गवर्नेंस है, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटका में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा। तो कुमारस्वामी ने ऐलान किया कि मैं टीपू सुल्तान के नाम से यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। कुमारस्वामी ने ऐलान किया कि अकलियतों के लिए और खास तौर से हमारी बच्चियों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। नाम लिखकर कहा, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ो आप जाकर, बहुत लंबा लंबा फेंके उसमें मोदी के साथ, लंबा लंबा फेंकते दूर दूर। उस मैनिफेस्टो में कहीं पर भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी किसको बोलते, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, उस मैनिफेस्टो में एक लफ्ज नहीं है मुसलमान का। और मैं बेलगाम को आया, दूल्हे में आए तो बोले मुस्लिम वोट काट दिया, तुम्हारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है। जेडीएस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक नहीं 25 मरतबा इस्तेमाल किया। उनको शर्मा रहे नहीं, लो इनू शर्मा रहे कांग्रेस पार्टी वाले, अगर नाम लेंगे तो वोट नहीं मिलते हमारे को। और फिर कांग्रेस पार्टी बोलती मैं वोट काटने आया। अच्छा गुजरात में मैं गया था क्या, मैं था गुजरात में, तुम्हारे लीडर 27 मरतबा मंदिरों को गए, उसके बावजूद भी मोदी को नहीं हरा सके, क्योंकि मोदी ने बोला कि तुम कम हिंदू हो, मैं बड़ा हिंदू हूं। अरुण जेटली बोले, मैंने ही बोला वरना बोलेंगे भड़काओ भाषण। अरुण जेटली बोले ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट क्यों नहीं, आप करें तो अच्छा, और हम कुछ बोले तो बोले नहीं भड़काओ भाषण दे रहे। मैं भी जानता हूं इलेक्शन का कानून को, मेरे पास भी लॉ की डिग्री है, मोदी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की उतनी बड़ी डिग्री मेरे पास नहीं। आप भी पढ़े लिखे हैं मालूम आपको, गुजरात में कैसा हार गया, हम तो नहीं गए,
कुमार स्वामी नहीं थे, बीटी नहीं थी वहां पे, साफ बोलते आप कौन सी टीम है मेरे को बता दो, आपके पास तो टीम ही नहीं है। कुमार स्वामी यहां से निकल गया तो उसको पकड़ लिए, गोद में ले लिए, उन्हें तो जेडीएस का। तो इनके पास कोई आइडियोलॉजी नाम की चीज नहीं है मेरे भाई। हर महास पर कांग्रेस पार्टी नाकाम साबित हुई। कोई इनके सामने अगर खड़े हो गया तो बलराम को नहीं आना, कर्नाटक नहीं आना, बेंगलुरु नहीं आना, और अगर कोई इलेक्शन लड़ा तो वोट काट नहीं आ रहे। अरे भाई साहब, 280 सीट पे बीजेपी कामयाब हो गई, तुम्हारा दिमाग अभी भी हल्का नहीं हुआ। तुम झांक के देखते अपने गिरेबान में कि भाई क्यों हम हारे, हारने की वजह क्या है। हारने की वजह यह है कि आपका गुरूर, हारने की वजह यह है कि आप समझते हैं कि आप सब पे भारी है। नहीं, आप सब पे भारी नहीं है, बल्कि आप ही की वजह से बीजेपी और फासिस्ट आइडियोलॉजी मजबूत हो रही है। आप ये हमको बोलते हैं कम्युनलिज्म फैला रहे। अगर मैं 70 साल की आजाद हिंदुस्तान की तारीख को बयान करूं तो हर बार आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी जब इबादत गाह को रात के अंधेरे में घुसकर इबादत गाह के उस पांच जगह को खराब किया है, आपकी हुकूमत थी। ताले खोले गए, आपकी हुकूमत थी। दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, आपकी हुकूमत थी। हर जगह आपकी हुकूमत थी। मगर आप ये दावा करते कि हम अकलियतों को बचाना चाहते हैं। क्या बचाना चाहते हैं भैया? इनकी एक और मिसाल सुनो नौजवानों, जो आज मेरी आमद पर बेलगाम को आया तो पूरे कांग्रेस और बीजेपी के पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, जिसम के रिश्ते में दर्द होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ने त्रिवेंद्र तल्लाह के ऊपर एक बिल लेकर आया लोकसभा में। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जब ये बिल लोकसभा में डिबेट हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने अपने ही एक मुस्लिम एमपी को, जिनका नाम मौलाना जो दारुल जोबन के आमिला के रुकुन है, उन्होंने बयान दिया मौलाना ने कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस पर आप नहीं बात करेंगे। उनसे पूछा गया कि मौलाना आप आकर हो खिलाफ क्यों नहीं दिए, तो मौलाना ने कहा कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं एक एमपी था, अकेला हूं। मैं सबके पास जाकर कहा कि ये जो बिल ला रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है, ये औरतों के खिलाफ है, ये मर्दों को और ताकत देगा कि औरतों का इस्तेमाल करे। कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बल्कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में इस बिल पर बीजेपी की तारीफ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हम कोई भी पार्टी के हो सकते, हम किसी भी सोच के हो सकते, मगर याद रखो जब हमारी शनाख्त का मसला आ जाता, जब हमारे जिंदा रहने का, हमारे वजूद का मसला आ जाता है, तो हम तमाम इख्तलाफात को वो दालू रखते। जब हमारी शनाख्त का मसला पैदा हो गया, जब हमारी जिंदगियों का मसला पैदा हो गया, जब हमारी पहचान का मसला पैदा हो गया, तो कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी थी लोकसभा में और बीजेपी की तारीफ की। मैंने अमेंडमेंट्स मूव किए, एक अमेंडमेंट की तारीफ नहीं की। मेरे भाई, मेरे जिंदगी का सबसे तकलीफ और गमगीन दिन था वो। ऐसा लग रहा था कि हम बेसहारा हो चुके, कि हमारी बात सुनने कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं था। सबके पास गए, एक लीडर के पास जाकर कहा कि देखो ये गलत है, गलत है। ये सब कह रहे थे नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम आपको करें तो उधर का वोट नहीं मिलता हमको। अरे मैं बोला ये वोट की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है। मेरे भाई, मैंने जिंदगी में इतना अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। जब ये बिल पर बहस हो रही थी इतना अकेला मैंने महसूस किया। मैंने अपने बाप को खोया, आपने भी अपने बाप को खोया होगा, मगर इतना गमगीन दिन में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वही कांग्रेस पार्टी आज आकर बोल रहे हम कमर है, आप तो खामोश बैठे रहे। कौन उठा? मैं उठा, और तमिलनाडु के एआईडीएमके के एमपी ने उठकर इसकी मुखालिफत की।
जाकर देखो आप यूट्यूब पर, ये आज आप आकर हमको आईना दिखा रहे सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं। आप सेकुलरिज्म को बर्दाश्त करने वाले, आप सेकुलरिज्म की खटिया उड़ाने वाले कांग्रेस पार्टी, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्या करती है, देखो रोको हमको वोट डालो वरना बीजेपी आ जाती। अरे बाबा वो दिन चले गए, शेर आ रहा, अब हम कुछ शेर बन चुके हैं, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। यूं वादा लिए थे कि नहीं हम आपका हिफाजत करें, कौन सी हिफाजत की बताओ आप। 2017 का जो माइनॉरिटी का बजट था कर्नाटका का, सिर्फ 60% उसमें रिलीज हुआ। और फिर ये लोग बात करते कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत किए, क्या किए भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आप लोग कौन सा काम किए? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है, उस एक्ट में फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं। सिद्धरामैया में दम है तो कल जवाब दो। उस कर्नाटका SC ST सब प्लान एक्ट ऑफ 2013 27,703 करोड़ रुपये जारी किए गए। कितना पैसा खर्च किया सिद्धरामैया? आप दलित शेड्यूल कास्ट आदिवासी की बात करते, 40% ही पैसा खर्च थे। ये आप खुद देख लो इनकी सोच को, रिकॉर्ड है पूरा मेरे पास, एक एक जवाब मेरे सवाल का तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तो ये कांग्रेस की हुकूमत सेकुलरिज्म के खिलाफ, मिस गवर्नेंस और करप्शन, हम करप्शन को रोकेंगे। हम हैदराबाद में, आप यहां बेलगाम में बोलते होंगे, बिल्ली जब दूध पीती तो समझती कोई नहीं देख रहा। तो सिद्धरामैया की हुकूमत भी नीचे मुंडी करके गपागप दूध नहीं दिए, ये बोटी वो बोटी, वो बकरा ये बकरा, ये पूरा दवा के खा लिए, इतना खाए कि पेट भरता ही नहीं, भारत का गड़ा नहीं था। जातीय करप्शन कंट्रोल करने, लोकायुक्ता के पावर्स को जीरो कर दिए, एंटी करप्शन को दे दिए, ताकि एंटी करप्शन का ACP चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करना। क्या हुआ भाई जस्टिस हेगड़े की रिपोर्ट का तुम 4 साल में क्या किए बताओ? अगर तुम वाकई में ईमानदार हो तो बताओ तुमने क्या किया, इसका जवाब दो। अच्छा ये हो गया सिद्धरामैया मोदी के बारे में। ये तो कांग्रेस पार्टी वाले बोलते रहो खाली हमारे पीछे पड़े, तुम मेरे ससुराल के रिश्तेदार में उसके पीछे पड़ने वाला हो। हम दोनों को पीछा कर रहे, कुमारस्वामी दोनों को पीछे भाग रहे, और कुमारस्वामी बहुत आगे, ये लोग बता रहे नहीं हम आगे है, कोई बोलता ही आगे, मेरे भाई कोई आगे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं के और आपकी वोटों की वजह से कुमारस्वामी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो क्या किए बीजेपी? कल हर रोज तकरीर कर रहे हिंदुस्तान के वजीर आजम, कनाडा मेरे को भी नहीं आते, मगर यूं शुरू हो गया, इन्हों यूं। इसका क्या है भाई तुम लोगों का? तुम लोग क्या कसम खा के आए मैं आज ऐसा करूंगा और तुम ऐसा करना? क्या सुबह योगा नहीं करे दोनों? क्या किया बीजेपी? इन्हों भी देखो आप करप्शन को रोकते गए, बेल्लारी में कमीशन ले लिए, इन्हों करप्शन रोकने वाले, पूरा जमीन खा गए, बेल्लारी की जमीन खा गए, जमीन के अंदर के पत्थर खा गए, और फिर मोदी साहब बोले मैं करप्शन रोकूंगा। अच्छा इनका रिकॉर्ड देखो आप, वजीर आजम बोले कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बेंगलुरु में बैठा हुआ विजय माल्या बोला गुड टाइम किंग फिशर ऑफ गुड टाइम खाके लंदन था। फिर मोदी साहब बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी बोला मेरा नाम भी मोदी है, मैं भी खाके भागता हूं। मोदी साहब किसी को मैं हूं भाई बोले, उन्हें बोला जब तू मेरा भाई तो मैं भी खाके निकलता हूं, पूरे भाग गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोले करप्शन रोक, तो क्या करप्शन रोकते भाई साहब? आपकी नाक के नीचे से लोग भाग जाते, आप करप्शन रोकना चाह रहे, काहे का करप्शन रोकते? फिर बीजेपी ये बोलती कि हम ट्रिपल तलाक को बंद कर, अच्छा क्या करें आप?
जम्मू कठुआ में, हाँ डरो खत्म करो डर के करो, अभी मोदी पे बोल रहे हैं सर, जम्मू कठुआ में आप और हमने देखा, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों ने जिसमें इंसानियत जिंदा थी उन सब ने इसका खंडन किया। आप बताइए कि 8 साल बच्ची को किडनैप किया गया, रेप किया गया, उसको मार दिया गया, उसका सर पत्थर पर मारकर मार दिया गया, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पार्टी के मिनिस्टर जिनको गिरफ्तार किया गया था उनकी तारीख में जुलूस निकाले। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो लंदन में बैठ के बोले इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम पोलिटिसाइज तो आपके मिनिस्टरों ने किया, आपके लोगों ने किया, निकलकर ये कहा कि छोड़ो उन लोगों को, मिनिस्टर है आपकी पार्टी के, पर आपके पास क्या पॉलिसी है बताइए आप। हर महास पर मेरे दोस्तों बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी ने वादा किया था नौकरियां देने का, मोदी ने कहा हर साल 2 करोड़ देंगे, कहां रिकॉर्ड है बताओ आपका। अच्छा इसमें से किसको नौकरी मिली हाथ उठाओ, किसको नहीं मिली हाथ उठाओ। सीतारामैया मोदी राहुल गांधी देखो किसको भी नौकरी नहीं मिली, किसको नहीं मिली हाथ उठाओ, जरा कैमरा फिरो दिखाओ दुनिया देखो कि ये कांग्रेस का राज है, ये मोदी का राज है जिसने नौजवानों को बेरोजगार करके रख दिया है। मेरे भाई अब जब हाथ उठा लिए तो 12 तारीख को क्या करेंगे, जाके बटन दबाना, दबाना बटन, बटन दबा के दबाना, इनको बता देना कि तुम नाकाम हुए, तुम फेलियर है और हम फेलियर का साथ नहीं देंगे। ये बीजेपी की गर्व हर मास पर पेट्रोल आसमान को छूरा, डीजल आसमान को छूरा, हमारे वजीर आजम आसमानों में जा रहे, वहां ट्रंप को गए गमले लपट के, जहां देखो आगे आसमानों में, हिंदुस्तान में पेट्रोल आसमानों को छूरा, कीमत डीजल आसमानों को छू, इनकी इसको कोई फिक्र नहीं, और हर महास पर ये लोग नाकाम साबित हो गए। मेरे भाई मक्का मस्जिद का बॉम्ब ब्लास्ट का वर्दी का है, ख्वाजा अजमेरी की बॉम्ब ब्लास्ट का वर्दी का है, अपील करना था ना, अपील भी नहीं कर रहे, फिर सेकुलरिज्म की बात कर रहे, फिर कम्युनिज्म की बात कर रहे। बहरहाल मेरे भाई मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं कि हर महास पर कांग्रेस और बीजेपी नाकाम साबित हुए हैं। कर्नाटक की आवाम को एक बेहतरीन साल सेकुलर हरकियाती एक्टिव गवर्नमेंट की जरूरत है जो आपके उम्मीदों को कर सके। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 12 तारीख के दिन आप पूरे अपने घर से निकलिए, डर और हौस की को आने करीब आने मत कीजिए, आप और हम डरने वाले नहीं है मेरे भाई। अगर कोई ये समझ रहा है कि डरा सकते, मेरे भाई याद रखो कुदरत का कानून ये है कि जिस किसी ने भी किसी को डराया, जुल्म किया, कुदरत ने डराने वालों के नामों निशान को मिटा दिया। और जो लोग डरा रहे हैं, जो लोग बड़बड़ी बातें कर रहे हैं, याद रखो वक्त यह है, फिरौन और नमरूद को भी बड़ा दावा था अपने इख्तदार का, तो कुदरत ने फिरौन और नमरूद को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो लोग आज मुल्क में गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, किसान कर्नाटका में 3,500 किसान खुदकुशी कर लिया, अब सिद्धारामैया के पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल किसानों के लिए भी गरीबों के लिए भी एक जामे पॉलिसी और प्रोग्राम बनाया गया है। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि 12 तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए, नमाज फजर अदा करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि परवरदिगार आज जब मैं वोट डालने जा रहा हूं तो मेरा वोट उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो जो हक की बुलंदी के लिए काम करें, जो बाकी ताकतों को फिक्र दे सके। मुत्तहिद रहिए, अपने ओर का इस्तेमाल करिए, एक नए दौर का आगाज करिए कर्नाटका में, जो कर्नाटका की आवाम को इसकी बेहद जरूरत है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।